अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ नाखून वाली मेहंदी, नेल मेहंदी। ये मेहंदी इतनी अच्छी बनती है कि आपको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेल पेंट की तरह इसे एक बार लगाएंगे तो एक महीना डेढ़ महीना आराम से चल जाती है। देखिए, ये मैं अप्लाई करने के बाद वाले मेरे नाखून हैं, ये बहुत ही अच्छा कलर आता है और इससे हमारा वज़ू और नमाज भी हो जाती है। नेल पेंट की तरह इसको हर बार रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए अब बनाते हैं नेल मेहंदी। सबसे पहले तो हमें एक पतीले की ज़रूरत होगी या फिर एक टीन वाला जो डिब्बा रहता है वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास से पहले से मैं मेहंदी बनाती हूँ, मैं यही मेहंदी यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास ये एक चाय वाला बर्तन जो ख़राब हुआ था वो मेरे पास है, मैं उसी को अब आज भी यूज़ करूँगी। और ये जो कप है ये मैं हमेशा से इसके यूज़ करती हूँ, तो ये भी मेरा ख़राब हो चुका है। ये दो बर्तन मैंने मेहंदी के लिए बनाए हुए हैं। ये देखिए, अब मेरे नाखून की मेहंदी तो पूरी तरह से चली जा चुकी है, शायद मैंने एक महीने पहले अप्लाई किया था। जैसे जैसे मैं कट करती हूँ वैसे वैसे ये नाखून मेरे ख़त्म हो जाते हैं। वैसे अब रंग भी इसका फीका पड़ चुका है। आप वैसे मेरे नाखून बहुत छोटे हैं, अगर आपके नाखून लंबे होंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छे लगेंगे और इसका कलर भी इतना अच्छा जचेगा कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। ये मेहंदी बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही जल्द बनने वाली है, तो देखिए इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं। ये मैंने लिया है एक गुड़ का टुकड़ा, इसको बारीक तोड़ लिया है, एक चम्मच चाय की पत्ती और 5 से 6 लौंग हैं। बस इतने तीन चीज़ों में मेहंदी बन जाएगी। इसमें चीनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग चीनी डाल के दिखाते हैं, बिल्कुल चीनी की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। अब इस पतीले में मैं 1 कप को सेट कर लेती हूँ। मैं इसको बीचों बीच में सही से सेट करना है ताकि हम इस पर जो पतीला ऊपर से रखेंगे उसकी भाप का जो पानी गिरेगा इस कप में बीचों बीच में ही गिरता है, तो इसको सही से बीच में कप को सेट कर दें। अब हम इसके किनारे से इन सब चीज़ों को डालते हैं। पहले डालते हैं गुड़। गुड़ के मैंने बहुत बारीक टुकड़े नहीं किए हैं, बस थोड़े थोड़े बारीक मोटे हैं। आप ऐसा नहीं है कि इसको बारीक ही करना है, वैसे भी ये पिघल जाएंगे गर्म करने के बाद, तो आप मोटे भी रख सकते हैं। इस तरह से इसको सारे गुड़ को हम साइड से डाल लेते हैं। इस तरह से कप में बिल्कुल ना डालें। अब मैं डालती हूँ इसमें लौंग, जो 4-5 लौंग मैंने लिए हैं इसको डाल देती हूँ साइड से। अब बची हमारी चाय की पत्ती, अब ये चाय की पत्ती भी मैं डाल देती हूँ साइड से। इसमें कॉफ़ी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन तीन चीज़ों से मेहंदी बहुत अच्छी कलर आएगी। डाल देते हैं इसको हम, बस इतना काफ़ी है। अब इसको हम रख देते हैं गैस के ऊपर, जो हमारा सबसे छोटा वाला गैस रहता है उसको भी एकदम लो फ्लेम पर हम रखेंगे और सिर्फ 5 मिनट तक रखना है हमें। तो अब इस पर मैं रख देती हूँ एक पतीला और इसको मैं पानी से भर देती हूँ ताकि थोड़ा वज़नदार बन जाए। देखिए इस तरह से, बस ऐसा नहीं है कि एयर टाइट ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग आटा लगा के भी दिखाते हैं साइड से, आटा वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं डाल देती हूँ पानी, बस वज़नदार होना चाहिए ताकि ये हिले नहीं। बस इतना इस तरह से रख दें और फ्लेम को चालू कर देते हैं और एकदम धीमी आंच पर हम इसको रखेंगे। अब इसको ऐसे ही 5 मिनट तक छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि साइड से अब धुआं भी आने लग जाएगा। आप सोचेंगे अगर धुआं आएगा तो भाप बनेगी नहीं, पानी गिरेगा नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। थोड़ा बहुत धुआं अगर निकल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से इसको रख देते हैं। आप यकीन मानिए मेहंदी इतनी अच्छी बनती है, मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ मेरे कलीग्स भी मुझे पूछते हैं कि मैडम आप कैसे बनाते हो, हमें भी सिखाओ, इसलिए मैं आज बना रही हूँ। आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है ना, तो ये धुआं निकलने के बाद कुछ देर के बाद खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा, तब हम इसको खोलने वाले हैं। कुछ नहीं, इतना धुआं जाने से कुछ नहीं होता है। सही से इसमें
इसका अर्क आ जाएगा कप में। देखिए अभी धुआं कम हो रहा है ना, तो अब इसको पूरी तरह से ख़त्म होने देते हैं, फिर हम इसको ऊपर वाले पतीले को हटा देंगे। अब देखो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है धुआं, तो मैं इसको हटा के दिखाती हूँ आपको। देखिए है ना, ये आधा कप तो हमारा अर्क निकला है। इतने अर्क में तो कम से कम 10-12 लोग आराम से मेहंदी नाखूनों को मेहंदी लगा सकते हैं। ये आप आवाज़ भी सुन सकते हैं इसकी, ये बहुत टाइट हो चुका है। अब कप इसमें बहुत ऐसे टाइट बैठ चुका है कप। थोड़ा सा हम इसको लूज़ कर लेते हैं साइड से, फिर ये कप निकलेगा, या फिर आप आराम से बाद में भी निकाल सकते हैं। मुझे आपको दिखाना है तो मैं इसको अभी निकाल देती हूँ। देखते हैं, नहीं अभी बहुत टाइट है, देखिए निकल चुका है। ये जो अब जला हुआ गुड़ है ये बाद में हाथों से आराम से निकल जाएगा, बस पतीला साफ नहीं होगा, ये जो ऊपर से जला हुआ है वो खुरेदने के बाद निकल जाएगा। अब मैं इसको दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आप इसको छान के भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले लें, ऐसे कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं गिरता है, बस थोड़ा सा जला हुआ गुड़ कहीं पे गिर जाएगा, इससे कुछ नहीं होता है। देखिए इतना अर्क तो बहुत हो गया, ये कप तो अब ख़राब हो चुका है। ये दो बर्तन आप ऐसे हमेशा गुड़ बनाने के सॉरी मेहंदी बनाने के लिए रख सकते हैं, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं, साफ़ करके इसको निकाल के रख दीजिए। अब देखिए ये गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं ये जो लिक्विड है जो अर्क बचा है इसको मैं एक छोटी सी बोतल में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि अभी इसको मैं तैयार कर दूँगी तो ये 2 दिन में सूख जाता है, इसलिए मैं जितना मुझे अभी चाहिए उतना ही मैं तैयार करने वाली हूँ। इसको मैं ठंडा करके एक बोतल में भर के रख देती हूँ, जब जब मुझे लगेगा मैं इसको यूज़ करूँगी। इस अब देखिए मैंने इसमें सारा निकाल दिया है, थोड़ा सा मेरे लिए रख दिया है। अब इसमें मैं डालती हूँ गेहूँ का आटा, आप चाहें तो मैदा भी यूज़ करें या फिर कोई सा भी आटा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मेहंदी वाली होनी चाहिए, आप हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन जब निकलती है तो गंदी लगती है बहुत, इसलिए मैं इसे सिर्फ नेल्स पर अप्लाई करती हूँ। देखिए मैंने अप्लाई कर लिया है, ये मेरा कुछ देर सूखने के बाद कलर ऐसे रेड हुआ है, मैंने पहले लगाते वक्त मैं वीडियो बनाना भूल चुकी थी। देखिए ये अब ये अच्छी तरह से इसको सूखने देते हैं, रात में अप्लाई करके छोड़ देते हैं, जब सुबह निकालेंगे हम तो दिखाती हूँ मैं। देखिए इस तरह से कलर आएगा इसका, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये डार्क होती चली जाएगी। ये सुबह सुबह का है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है ना, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये इतनी अच्छी बनती है कि आप नेल पेंट लगाना भूल जाएंगे, कौन बार बार लगाएगा रिमूव करेगा है ना, तो बस एक बार लगा लो काम ख़त्म, महीना 1.5 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके नेल बहुत जल्द बढ़ते हैं तो हफ्ते में एक बार अप्लाई कर लीजिए। चलिए अब मैं आपसे रुख्सत लेती हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी बनी है। चलिए अल्लाह हाफिज़।